देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया, मैं हूं कृतिका। गाजियाबाद में दो छात्रों के बीच लड़ाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हैरान कर देने वाली बात यह है कि छात्रों की लड़ाई के बीच से एक सफेद रंग की कार आती है और दोनों छात्रों को जोरदार टक्कर मार देती है। मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का है, जहां डासना में प्राइवेट कॉलेज के बाहर दो गुटों में लड़ाई हो जाती है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लड़के कॉलेज की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई। इस वीडियो में गौर से देखने पे ये भी पता चलता है कि इस लड़ाई के बीच कुछ बाहरी लड़के भी नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर वीडियो में लड़ाई झगड़ा हाथापाई हो रही है। इस दौरान एक सफेद रंग की कार बीच से आती है और दो छात्रों को हवा में उछालकर टक्कर मारकर चली जाती है। गाड़ी की टक्कर से दोनों लड़के उसके बोनट पर गिर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। इस दौरान गाड़ी का अगला ही शीशा भी जो है टूट जाता है। गाड़ी तुरंत बैठ जाती है और इसी दौरान गाड़ी की टक्कर से गिरे हुए लड़के वापस उठकर हाथापाई मारपीट शुरू कर देते हैं। आपको बता दें टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी उसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में कई लड़के घायल हुए। इस दौरान जैसे ही पुलिस आती है तो सारे लड़के बीच से अफरा तफरी करके निकल जाते हैं। मारपीट और गाड़ी की टक्कर का यह वीडियो आज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुरुआती जानकारी में पता चला कि यह झगड़ा स्टूडेंट के बीच का है, जिसमें कुछ बाहरी लड़कों को बुलवाया गया और मारपीट की गई। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है कि झगड़े का असली कारण क्या था, लेकिन जिस तरह से मारपीट और गाड़ी की टक्कर वाला खूनी झगड़ा देखने को मिला, उससे साफ है कि किस तरह से कॉलेज के लड़कों ने देश में आज कोहराम मचाया। देखते रहिए।